हाँ जी, आज हमने पढ़ना है फेट मैप ऑफ सी अर्चन। तो इस लफ्ज़ से आपको क्या समझ आती है कि फेट मैप ऑफ सी अर्चन? फेट फेट हम किसे कहते हैं? फेट मैप का क्या मतलब होगा? हाँ जी, कोई बताएगा आप में से? मैम, इसे ये पता चल रहा है कि कौन से सेल से कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, तो इसका ये मतलब है फेट मैप ऑफ सी अर्चन। हाँ जी, जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फेट मैपिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ये देखना चाह रहे हैं एडल्ट्स में हमें जो टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे स्किन हमें नज़र आती है, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एडल्ट्स में हमें ये सारे ऑर्गन्स और ये सारे स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है इन सब स्ट्रक्चर्स का, ये कहाँ से डिवेलप हुए हैं। क्योंकि जाइगोट तो एक सेल से स्टार्ट होता है ना बनना, और उस एक सेल की बार बार डिवीजन हो रही है उसकी, और उससे फिर आगे सेल नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, और उन्हीं उसी एक सेल से फिर एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो जो स्टार्ट में सेल्स होते हैं, जो अर्ली क्लीविजेस से बनते हैं, उनमें से कौन से सेल्स कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ये देखने के लिए कि उन स्ट्रक्चर्स का उन एडल्ट्स में जो टिश्यूज हैं, सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स नहीं, बेसिकली हम जो ऑर्गन्स हैं ना और जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनका हम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन चेक करते हैं कि एम्ब्रियो के किन सेल से, किन टिश्यू से, सॉरी, किन सेल से कौन से टिश्यूज बने, कौन से स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, अगर आप इसकी अर्ली क्लीविजेस की बात करें तो 60 सेल स्टेज तक, यानी अर्ली क्लीविजेस में जब 60 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं, तब तक उसमें कोई खास जो उससे पहले तक, 60 सेल स्टेज से पहले तक कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई होती, स्पेसिफाइड नहीं होते सेल्स कि ये सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे। लेकिन जब 60 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो पहुंचता है तो तब तकरीबन सारे ब्लास्टोमियर्स की फेट जो है वो डिटरमिन होती है, ये स्पेसिफाइड वो हो चुके होते हैं कि आगे जाके ये क्या बनाएंगे, इनकी किस्मत में क्या है कि इन्होंने आगे जाके क्या बनना है। 60 सेल स्टेज तक तकरीबन सारे ही उनकी ये डिटरमिन हो चुका होता है। लेकिन अगर 60 सेल स्टेज से पहले आप देखें तो उन सेल्स की में ये, जैसे हमने, आपको याद होगा, हमने स्टार्ट वाले कुछ लेक्चर्स में हमने कहीं पर डिस्कस किया था सेल्स की पोटेंसी की, हमने बात की थी, कुछ सेल्स जो है वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, कुछ बायपोटेंट होते हैं, ठीक है, कुछ मल्टीपोटेंट होते हैं, कुछ टोटीपोटेंट होते हैं, ये हमने इस तरह करके सेल्स पोटेंसी की बात की थी, तो आपको वो याद होगा। तो प्लूरिपोटेंट ऐसे सेल्स थे जिनकी जो पोटेंसी है वो ऐसा नहीं कि वो बायपोटेंट्स की तरह किसी दो सेल में डिवेलप हो जाए, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ सेल्स में, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में प्लूरिपोटेंट सेल्स जो हैं, जिनकी पोटेंसी ये है कि वो प्लूरिपोटेंट हैं, ऐसे ब्लास्टोमियर्स आगे जाके बहुत सारे, यानी अगर आप उनको डिफ्रेंशिएट करवाएं ना तो मुख्तलिफ किस्मों के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 सेल स्टेज से पहले तक जो ब्लास्टोमियर्स थे वो प्लूरिपोटेंट ही थे, यानी वो एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट में डिवेलप हो सकते थे। लेकिन जब 60 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो पहुंच गया तो उसके बाद जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं उनकी फेट डिटरमिन हो गई कि इन्होंने आगे जाके क्या बनाना है। अब ऐसे नहीं कि कोई किसी भी सेल से कुछ भी बन सकता है, बल्कि अब स्पेसिफाइड हो गया कि इनमें से कौन सा सेल क्या बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज को चेक करने के लिए, यानी फेट मैपिंग करने के लिए कि कौन से एम्ब्रियोनिक सेल्स कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इस चीज को डिटरमिन करने के लिए मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म किए गए, और उनके अंदर क्या किया गया कि एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं अर्ली क्लीविजेस पे, यहाँ पे जो जिक्र किया गया कि एट फोर्थ सेल स्टेज, जब एम्ब्रियो में सिर्फ 4 सेल्स थे, तो उस स्टेज पे उन 4 सेल्स को कलर किया गया। कैसे कलर किया गया? मुख्तलिफ डाइज इंजेक्ट करके। ठीक है, डाइज इंजेक्ट करके एम्ब्रियो को, माइक को म्यूट रखें।
जो एट फोर्थ सेल स्टेज उनको जो जाइगोट के सेल थे, एम्ब्रियो के सेल थे, पहले चार सेल उनको कलर किया गया, ठीक है। और जब उनको कलर किया गया, अब वो चार आगे जाके फिर उनकी डिवीजन हुई और उन चार से आठ बने, आठ की डिवीजन हुई तो आगे जाके उनसे 16 बने। लेकिन हर एक में वो जो कलर किया गया था चार को, वो अगले बनने वाले सारों में वो कलर शो हुआ, ठीक है। तो उससे समझ आ गई कि किस सेल से आगे कौन से सेल बन रहे हैं, ठीक है। अगर फर्ज करो उन चारों को एक मुख्तलिफ कलर दिया जाए, ठीक है, तो उन चारों से आगे जो सेल डिवाइड होंगे, तो जिस सेल से आगे नए सेल बन रहे हैं, वो उस उन पेरेंट सेल का कलर उन आगे डॉटर सेल्स में भी हमें नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फेट मैपिंग के लिए मुख्तलिफ डाइज इस्तेमाल की गई, ठीक है। और उनका एक जब वो डिवीजन सेल्स की आगे जाके हुई, सेल्स लेयर की सूरत में अरेंज हुए, तो वो उन लेयर्स में हमें वो कलर नजर आता है। इससे पता चलता है कि ये जो सेल लेयर है, जैसे ये लेयर है, ठीक है, अब इसकी डिवीजन से जब आगे नए सेल बने, जैसे आप देखिए AN1 की डिवीजन हुई इक्वाटोरियल, तो इससे दो AN1 बनती, ठीक है। इसी तरह AN2 की इक्वाटोरियल डिवीजन हुई, यहाँ पे मेरा कहना यूज हो सकेगी पेंसिल कोई। हाँ जी, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब डिवीजन हुई इक्वाटोरियल मजीद एक, तो AN1 जो है उस दो में डिवाइड होगी, AN1 और AN1। इसी तरह AN2 में की जब डिवीजन हुई इक्वाटोरियल डिवीजन, तो ये भी AN2 और AN2 में डिवेलप होगी, ठीक है। इसी तरह वेज 1 जो है, वेज 1 भी दो वेज 1 में डिवाइड होगी, ठीक है। इसी तरह वेज 2 में भी इक्वेटोरियल डिवीजन हुई और यहाँ पे भी दो वेज 2 बन गई। फिर अपर माइक्रोमियर और लोअर माइक्रोमियर में भी इसी तरह डिवीजन से दो दो लेयर्स बन गई, ठीक है। तो अब ये जो सारी इसमें मुख्तलिफ लेयर्स बन रही हैं, तो इनको इनकी मजीद डिवीजन से पहले इनमें डाइज इंजेक्ट की गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ लेयर्स के लिए मुख्तलिफ डाइज यूज की गई। फ्लोरिसेंट डाइज जो हैं ये यूज की गई, किसके लिए फ्लोरिसेंट डाई यूज की गई, कि इस वजह से यूज की गई कि हम चेक करें कि ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं इनकी फेट क्या है, ये किस में डिवेलप होंगे, ठीक है। तो इसके लिए फ्लोरिसेंट डाई 1 यूज की गई, ठीक है। फ्लोरिसेंट डाई यूज की गई जिसका नाम क्या था, डाई 1। जब डाई 1 को इन्होंने यूज किया, अब ये देखा कि AN1 की डिवीजन हुई तो उससे कौन से दो बन गए, AN1 और AN1, दो लेयर्स। इसी तरह AN2 से भी दो लेयर्स बन गई, ठीक है। वेज 1 से भी दो लेयर्स बन गई। अब वेज 1 को उन्होंने किससे हाईलाइट किया, उन सेल्स को, वेज 1 के सेल्स को हाईलाइट करने के लिए लाइट येलो कलर की उन्होंने डाई यूज की। तो जब वेज 1 डिवाइड होकर उसने दो वेज 1 लेयर बना दी, तो उन दोनों लेयर्स में लाइट येलो कलर था, ठीक है। इसी तरह AN1 और AN2 जो हैं, उनमें भी अपना वो स्पेसिफिक कलर मौजूद था जो उन्होंने यूज किया। वेज 2 में जो है वो ऑरेंज येलो कलर यूज किया गया, तो आगे वेज 2 से बनने वाली दोनों लेयर्स में ऑरेंज येलो कलर था, ठीक है। अपर माइक्रोमियर जो हैं उनको, यानी वो जो वेज 2 के साथ वाले अपर माइक्रोमियर, ये वाले माइक्रोमियर, ये वेज 2 है ना, तो ये वाले माइक्रोमियर, ये अपर माइक्रोमियर और ये लोअर माइक्रोमियर, तो अपर माइक्रोमियर जो हैं इनके लिए ऑरेंज कलर यूज किया गया, ठीक है। हाँ जी, अपर माइक्रोमियर इनको, सॉरी, ऑरेंज येलो कलर, ठीक है, ये ऑरेंज येलो वेज 2 के लिए यूज किया गया और वेज 1 के लिए लाइट येलो। इस तरह अपर माइक्रोमियर जो हैं उनके लिए, जो वेज वेज 2 के करीब हैं, उनको रेड स्टेन किया गया, ऑरेंज नहीं, रेड स्टेन, ठीक है। अपर माइक्रोमियर के लिए कौन सी स्टेन यूज की गई, रेड डाई। वेज 2 के लिए कौन सी स्टेन, ऑरेंज येलो। वेज 1 के लिए लाइट येलो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वेज 1 के लिए लाइट येलो, वेज 2 के लिए ऑरेंज येलो और अपर माइक्रोमियर के लिए रेड, ठीक है। और
जो लोअर माइक्रोमियर उनके लिए भी रेड, दोनों माइक्रोमियर जो लेयर थी अपर और लोअर उनके लिए उनको रेड कलर से स्टेन किया गया, और जो वेज वन है उनको लाइट येलो और ऑरेंज येलो से स्टेन किया गया, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये आगे इनकी डिवीजन हुई तो अब सेल्स जो हैं वो लेयर्स की सूरत में अरेंज हुई, यानी डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्टेज जो आती है ना वो गैस्ट्रुलेशन है। तो हम बाद में डिटेल से देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो फेट मैप के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो सेल्स हैं ये तीन लेयर्स की सूरत में अरेंज होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, ठीक है। इनमें से हर एक जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स और सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो फेट मैपिंग में हम मुख्तलिफ डाइज यूज करके उन स्ट्रक्चर्स का हम ओरिजिन फाइंड करते हैं कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर एक्टोडर्म से बने हैं, कौन से मीजोडर्म से और कौन से एंडोडर्म से बने हैं। तो अगर हम इनकी बात करें सी अर्चन की, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो सी अर्चन के केस में जो एनिमल एनिमल हाफ, वो जो उसमें एनिमल हाफ में AN1 लेयर्स थी और AN2, और उनसे जो आगे AN1 की दो लेयर्स बनी, AN2 में दो दो लेयर्स बनी, ठीक है। तो ये क्या बनाती हैं, ये अरेंज होके बनाती हैं एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सी अर्चन की। तो सी अर्चन में भी एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म में जो इनका ये है स्किन और नर्वस सिस्टम, वो इस तरह से बाकायदा, जाहिर है वो जिस तरह हम मैमल में स्किन को पढ़ते हैं या नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, तो उस तरह से तो उनमें नहीं होता, लेकिन कम से कम उनके अंदर कुछ नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और उनके लार्वे पे कुछ जो उनकी कवरिंग होती है, स्किन होती है, तो वो किससे बेसिकली ड्राइव्ड होती है, वो एक्टोडर्म से ड्राइव होती है, ठीक है। इसी तरह जो एक्टोडर्म है वो दूसरा क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बात करें मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म जो है ये दरमियानी लेयर होती है, यानी जब वो गैस्ट्रुला स्टेज पे आके एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं वो तीन लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, तो जो मिडल लेयर होती है उसको हम कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है। अब मीजोडर्म जो है ये क्या बनाती है, ये जो स्किन है उसकी भी कुछ लेयर्स बनाती है, ठीक है। अब स्किन में आप देखिए ना, हम स्किन की लेयर पढ़ते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, और इस तरह उसमें बहुत सारी उसकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, इस तरह करके बहुत सारी लेयर्स होती हैं स्किन की। तो स्किन की कुछ लेयर्स जो हैं, जैसे डर्मिस भी जो है वो किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है। तो स्किन की कुछ लेयर्स जो है वो किससे बनती है, मीजोडर्म से। इसी तरह आपके जो मसल्स हैं वो किससे ड्राइव्ड होते हैं, वो इससे, मीजोडर्म से। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो किससे ड्राइव्ड होते हैं, मीजोडर्म। यानी ये जो लेयर मिडल लेयर है ये क्या बनाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्म जो इनर लेयर है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जितने एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। ये इन जनरल हमने बात की एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की, कि सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब आप फेट मैपिंग करते हैं तो जो जो फाइंड किया गया रिसर्च से वो यही फाइंड किया गया कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो भी मैंने जिक्र किया जिन टिश्यूज में और सिस्टम्स में ये डेवलप होती हैं, तो ये सब में ऐसा ही हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप इनकी बात इसकी बात करें सी एचन की, इसमें भी, और आप हायर एनिमल्स की बात करें, इवन आप ह्यूमन बीइंग्स की भी बात करें, तो उनके अंदर भी जो ओरिजन है, एम्ब्रियोनिक ओरिजन है आपके डिफरेंट सिस्टम्स का, वो यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से अराइज होता है, एंडोडर्म से, सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से, ठीक है, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं इसकी सी अर्चन की, सी अर्चन में जो वेज वन है, ठीक है, वो जो जो इसमें वेजिटल हाफ में जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था और सेल डिवाइड होके लेयर्स की सूरत में, टायर्स की सूरत में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली अरेंज हो रहे थे, तो उसमें जो वेज वन है, वेज वन क्या बनाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों,
वेज वन के कुछ सेल्स जो हैं वो कुछ टिश्यूज बनाएंगे एक्टोडर्म के, और उनमें से कुछ टिश्यूज बनाएंगे वो एंडोडर्म के, ठीक है। अब वेज वन के बाद सेकेंड लेयर कौन सी थी? वेज टू। वेज टू डिवेलप होती है सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स में। सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं, अगर आप इनकी फेट देखें, जैसे एक्टोडर्म का तो हमें पता है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की जब हम बात करते हैं तो ये हमने ऊपर देख लिया कि ये क्या चीजें बनाते हैं। अगर आप सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स की बात करें कि ये किन किन टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो ये तीन किस्म के टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होंगे। एक ये बनाते हैं पिगमेंट सेल्स, पिगमेंट सेल्स जो बॉडी का कलर डिवेलप करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको उसमें दिखाती भी हूँ कुछ सी अर्चन के इमेजेस, तो आप देखेंगे कि उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो कलर्स कहाँ से आते हैं? पिगमेंट सेल्स से। पिगमेंट सेल्स कहाँ से, एम्ब्रियो के किन सेल से अराइज होते हैं? वेज टू के सेल से। वेज टू किस में डिफ्रेंशिएट होती है? सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स में। तो सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल से क्या बनते हैं? पिगमेंट सेल्स, जिनसे कलर डिवेलप होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं और किसमें डिवेलप होते हैं? इम्यूनोसाइट्स में, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, वो किससे बनते हैं? वो इन्हीं सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, वो किससे डिवेलप होती है? सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स से, ठीक है। अब ये वेज टू तक हमने बात की, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलें तो आगे क्या है? प्राइम, वो अपर माइक्रोमियर, और अपर माइक्रोमियर के बाद क्या है? लोअर माइक्रोमियर। तो अपर माइक्रोमियर की आप बात करें तो ये किसमें डिवेलप होते हैं? प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स, पीएमसी, प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स में, प्राइमरी मीजेनकाइमल टिश्यूज में। और प्राइमरी मीजेनकाइमल टिश्यूज जो हैं ये क्या बनाते हैं? ये सी अर्चन का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। अब सी अर्चन के अंदर कोई बाकायदा हड्डियां तो है नहीं, उनके अंदर होते हैं स्पाइक्यूल्स, कांटे नुमा उनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, ठीक है। और वो किससे बनते हैं? वो बेसिकली कैल्केरियस मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से वो बनते हैं। तो ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये असल में कहाँ से अराइज होते हैं? प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स से, ठीक है। और प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स किससे बन रहे थे? अपर माइक्रोमीयर से। तो हमें पता चल गया कि ये जो ढांचा हमें नजर आ रहा है स्पाइक्यूल्स की सूरत में सी अर्चन में, अगर आप इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन देखना चाह रहे हैं तो एम्ब्रियो के किन सेल से ये ढांचा बन रहा है? ये बन रहा है अपर माइक्रोमीयर से, ठीक है। और ये जो स्पाइक्यूल्स हमने सी अर्चन में बात की ना, कि इनके अंदर स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्केलेटन जो है वो स्पाइक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये जो इकाइनोडर्म्स हैं हमें उनमें भी स्पाइक्यूल्स नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोअर माइक्रोमियर्स की बात करते हैं तो लोअर माइक्रोमियर्स जो है ये बनाते हैं सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स, और जैसे आपने वेज टू में देखा था, ठीक है, वहां पे बन रहे थे। तो यहाँ पे भी जो सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स हैं ये किसमें डिफ्रेंशिएट होंगे? ये आगे जाके बॉडी कैविटी बनाएंगे, यानी कि सिलोम बनाएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी मीजन, जो ये वेजिटल हाफ की लेयर्स थी, हमने कहा कि वो आगे जाके फलां चीजों में डिफरेंशिएट होती हैं, जो माइक्रोमियर्स हैं वो कुछ और में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उनकी डिफरेंशिएशन हो रही है, इस डिफरेंशिएशन में माइक्रोमियर्स का क्या रोल है? माइक्रोमियर्स किस तरह से खुद डिवेलप होते हैं और अपने नेबर सेल्स में, नेबर सेल्स की जो डिफरेंशिएशन है उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं, हम ये आगे अब देखते हैं, ठीक है। जो माइक्रोमियर्स हैं जो प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स बना रहे हैं, अपर माइक्रोमियर्स, जब इनको उस डिवेलपिंग एम्ब्रियो में से, वहां से सेपरेट किया गया, वहां से निकाल लिया गया, और इनको उस एम्ब्रियो के बगैर, उस पूरे एम्ब्रियो में से निकाल के इन चंद सेल्स को, और इनको डिवेलप किया गया। जब इनको डिवेलप किया गया, इनको आइसोलेट किया गया, ये देखिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इनको क्या किया कि सिर्फ एम्ब्रियो में से ओनली माइक्रोमियर्स वर आइसोलेटेड, यानी वेजिटल हाफ में भी तो सेल्स थे, और भी वेज वन वेज टू लेयर, एनिमल्स हाफ में भी AN1, AN2 लेयर्स थी, लेकिन उनमें से सिर्फ कौन सी लेयर्स ली? जो माइक्रोमियर्स थे सिर्फ वो लिए, और
एम्ब्रियो की किस स्टेज पे लिए, जब एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज पे था, यानी उसमें 16 सेल्स थे, तो वहां पे उन्होंने आके उसमें से क्या लिए, उसमें से माइक्रोमियर्स लिए, ठीक है, और उन माइक्रोमियर्स को टेस्ट ट्यूब्स में रखा। जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब्स में रखा तो वो किस में डिवेलप हो गए, वो डिफरेंशिएट हो गए स्पाइक्यूल्स में। इससे ये उन्होंने डिटरमिन किया कि ये जो माइक्रोमियर्स हैं ये ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट होते हैं। इनके जो नेबर सेल्स हैं उनका इनकी डिफरेंशिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन पे अपने डिफरेंशिएशन के लिए अपने नेबर सेल्स पे, अब इनके नेबर सेल्स कौन से थे, वेज वन थे, वेज टू थे, तो माइक्रोमियर्स जो हैं वो उन वेज वन वेज टू वगैरह पे अपने नेबर सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर उन नेबर वो नेबर सेल्स इनके करीब ना भी हों तो इन्होंने स्पाइक्यूल्स में डिवेलप होना है, डिफरेंशिएट होना है, तो ये डिफरेंशिएट होंगे स्पाइक्यूल्स में, ठीक है। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें माइक्रोमियर्स लिए गए डिवेलपिंग एम्ब्रियो में से, एक एम्ब्रियो में से लिए गए, और माइक्रोमियर्स हमें पता है कि वो वेजिटल हाफ में होते हैं, लोअर जो सेल लेयर्स थी उनको हमने पता है ये माइक्रोमियर्स हैं। तो वो माइक्रोमियर्स एक एम्ब्रियो में से लिए गए और उनको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया गया, दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल पोल पे, वेजिटल पोल में से उठाया और कहाँ पे आइसोलेट करके उनको कहाँ पे इंसर्ट किया, दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल पोल में। जब उस एनिमल पोल में उसको इंसर्ट किया तो वैसे जो डिफरेंशिएशन है, जो गैस्ट्रुलेशन होती है, तो उस दौरान क्या बनती है, आर्केंटिरोन बनती है, गट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब वो जो गट फॉर्मेशन है, जब उन्होंने इसको, वैसे तो वो बेसिकली कहाँ पे बनती है, वो बनती है इसमें वेजिटल पोल में, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया कि इन माइक्रोमियर्स को उठा के इसमें एनिमल पोल में रख दिया, तो अब क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब वैसे तो गट एक साइड से बननी थी ना, तो अब जब इन्होंने इसको दूसरे माइक्रोमियर्स को एनिमल हाफ में रखा तो वहां पे भी गट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। अब इससे हमें क्या समझ आई, वैसे तो सिर्फ जो गैस्ट्रुलेशन है वो बेसिकली कहाँ से होनी थी, वेजिटल हाफ से, लेकिन जो वेजिटल हाफ के सेल जब दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल हाफ में रखे वहां पे भी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई। तो उससे हमें ये समझ आया कि जो ये गट फॉर्मेशन है, जो नेबर सेल्स हैं वो इसको इंड्यूस करते हैं गट फॉर्मेशन को, कि यहाँ पे गट फॉर्मेशन होनी थी ना, वेजिटल हाफ से गट फॉर्मेशन मेनली होती है, तो यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, माइक्रोमियर्स, यानी माइक्रोमियर्स जो हैं ये गट फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। इंडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नेबर सेल्स कोई ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, कोई ऐसे सिग्नल्स रिलीज करते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो जो अपने सराउंडिंग सेल्स में स्पेसिफिक किस्म की डिफरेंशिएशन करवाते हैं। यानी माइक्रोमियर्स ऐसे सिग्नल्स रिलीज करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि माइक्रोमियर्स के जो नेबरिंग सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और क्या बनाते हैं, गट बना देते हैं, आर्केंटीरोन बनाते हैं, ठीक है, डक्ट बनाते हैं। तो ये जो अगर यहाँ से जो माइक्रोमियर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे गट फॉर्मेशन हो रही है, एनिमल हाफ में गट फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आपने माइक्रोमियर्स को उठा के एनिमल हाफ में रखा तो वहां पे भी गट फॉर्मेशन इंड्यूस होगी। इसका मतलब है कि जो माइक्रोमियर्स हैं वो गट फॉर्मेशन को इंड्यूस करवा रही है, ठीक है। तो खुद जो माइक्रोमियर्स हैं ये जो डिवेलप होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली डिवेलप होते हैं, लेकिन अपने नेबरिंग सेल्स में डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करवाते हैं। तो ये चीज किससे प्रूव होगी, एक्सपेरिमेंट से, कि जब माइक्रोमियर्स को उठा के एनिमल हाफ में रखा, वैसे तो वेजिटल हाफ में थे ना, तो जब एनिमल हाफ में रखा तो एनिमल हाफ में भी गट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, गैस्ट्रुलेशन वहां पे भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे में डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करते हैं। इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है, यानी कि जो सेल्स हैं वो अपने नेबरिंग सेल्स को
उनमें डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करते हैं नेबरिंग सेल में। कैसे इंड्यूस करते हैं? स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, स्पेसिफिक सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो दूसरों की डिफरेंशिएशन को गवर्न करते हैं कि ये आगे जाके क्या बनाएंगे। जैसे माइक्रोमीयर्स को हमने देखा कि माइक्रोमीयर्स जो हैं वो वेजिटल हाफ के सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो क्या बना दें, वो गट बना दें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है इसको हम मजीद डिटेल से भी देखेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है, किस किस्म के स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो ये इंडक्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं, कौन कौन से पाथवेज हो सकते हैं जिनसे इंडक्शन हो सकती है, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। तो ये जो फेट में अब हमने पढ़ा और एक दो हमने एक्सपेरिमेंट इंडक्शन के हवाले से डिस्कस किए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई बात ना समझ आई हो, कुछ पूछना चाहें आप? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।